देख रहे हैं 7i न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुजेता। अपनी जियोग्राफी के चलते भारत ने अक्सर बाहरी हमलों का सामना किया है। वक्त बदला, हालात बदले और साथ ही बदली देश की जियोग्राफी और बदल गए हमलों के तरीके। धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान का जन्म ही नफरत के बीच से हुआ। फिर कश्मीर की समस्या ने दोनों के बीच दोस्ताना संबंधों में रोड़े अटकाए। पार्टीशन के बाद से ही भारत पाकिस्तानी हमलों और साजिशों के निशाने पर रहा। पहले कश्मीर पर कवाली हमला, फिर 3 बार युद्ध और उसके साथ ही भारत के साथ प्रॉक्सी वार, जिसने धीरे धीरे आतंकवाद का घिनौना रूप अख्तियार कर लिया। हिंदुस्तान हमेशा से ही आतंक के निशाने पर रहा है और इस आतंक का मेन सोर्स रहा है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही इन आतंकियों की सरपरस्त रही है। रसद हो या हथियार, सभी ISI ही मुहैया कराती है। पहले अपने पंजाब में खालिस्तान कमांडो फोर्स ने आतंक का जामा पहना और ये बात जग जाहिर है कि पंजाब में आतंक को रोटी ISI ने खिलाई थी। पंजाब के बाद कश्मीरी लोकल यूथ को बरगला कर आतंक के रास्ते पर लाया गया, फिर इन लोकल यूथ की जगह ले ली। अफगान तालिबान ने, जो ग्लोबल आतंकी संगठन अलकायदा के प्रभाव में था, एक वक्त तक देश में जितना भी आतंक फैला उसमें स्थानीय लोग मोहरा थे और उनका रिमोट था पड़ोसी मुल्क के हाथ। लेकिन अमेरिका और इराक के बीच हुए युद्ध के बाद वहां पैदा हुआ एक नया आतंकी संगठन ISIS और इसका मुखिया था अलकायदा का इराक चीफ अबूबकर अल बगदादी, जो इराक से निकल पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देख रहा था। धीरे धीरे बगदादी ने हिंदुस्तान में पैर फैलाना शुरू कर दिए और एक के बाद एक कई साजिशों को अमली जामा पहनाने लगा। इसी कड़ी में अब ISIS की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जो अगर कामयाब हो जाती तो हिंदुस्तान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ता। 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर दिया और कई बेगुनाह लोगों की जान बचा ली। जैसी कि आशंका थी कि 370 हटने से कसी आतंकी संगठनों की नकेल उन्हें कोई ना कोई खौफनाक कदम उठाने को मजबूर करेगी और होता भी यही है, अचानक खबर आती है एक साजिश के खुलासे की। तो आइए जानते हैं क्या थी वो साजिश, कौन सा आतंक का परिंदा हिंदुस्तान के आसमान पर मंडरा रहा था और कैसे खुलासा हुआ ऑपरेशन ग्रीन बर्ड का। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों पर खतरा मंडराने की खबर मिलती है और पता चलता है दहशत फैलाने की ISIS की नई साजिश का। दरअसल इस साजिश का खुलासा हुआ है टेलीग्राम ऐप पर बने ग्रुप से, जिसमें देश में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले धमाकों की प्लानिंग की गई थी और कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन ग्रीन बर्ड। पहले देश में किसी भी त्यौहार और पर्व के मौके पर धमाकों की खबर आम हो चुकी थी, लेकिन भारत की बदली हुई नीतियों के साथ इस तरह की खबरें सुनाई देना बंद हो गई। ऐसे में यदि धमाके किए जाते तो सरकार की कई कड़ी नीतियों पर उंगली उठाई जाना तय था, लेकिन खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी ने साजिश का पहले ही खुलासा कर दिया। अब देखते हैं क्या थी इस साजिश की रूपरेखा। पहली साजिश बंगाली 138, दूसरी साजिश इस्लामी हिंद, तीसरी साजिश फ्लेम ऑफ वॉर, चौथी साजिश अल मुतरजिम फाउंडेशन और फिर आखिरी में सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक 5वीं साजिश यानी ग्रीन बर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टेलीग्राम ऐप के ये पेजेस के हैं किसके, इसका मतलब क्या है और इन पन्नों में आखिर वो कौन सी बातें लिखी हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो आइए अब जानते हैं इसकी कहानी का पूरा सिलसिला। आतंकवाद के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा और कश्मीर में जश्न आजादी की तैयारियां। हालिया दिनों में हिंदुस्तान सरकार के कुछ कदम ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के दुश्मनों को बौखलाने पर मजबूर कर दिया है। इस बौखलाहट में वो हर हाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी फैला करके डर का माहौल पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन आतंकियों के ऐसे कोई मंसूबे कामयाब हो पाते इससे पहले ही
हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस के ऑपरेशन ग्रीनबर्ड की गर्दन ही मोड़ दी। अभी भी सवाल ये है कि आखिर क्या है आईएसआईएस का ऑपरेशन ग्रीनबर्ड, और यदि वक्त रहते इसका खुलासा नहीं होता तो क्या हो सकते थे इसके अंजाम। आगे हम एक एक कर इसी ऑपरेशन ग्रीनबर्ड के तमाम राज का खुलासा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस साजिश के टेलीग्राम मैसेज के चंद पन्नों के बारे में। दरअसल आतंकवादियों की हर हरकत पर निगाह रखने और उनका पीछा करने वाली देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर अचानक आईएसआई के एक टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ती है, जिसे इस आतंकी संगठन ने बड़े खुफिया तरीके से क्रिएट किया था। इस ग्रुप का मकसद हिंदुस्तान पर हमले के लिए आतंकियों को तैयार करना और साथ ही उन्हें इस काम के लिए रिक्रूट करना भी था। कहने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए आतंक के आका इसी ग्रुप में ना सिर्फ खुफिया तरीके से अपनी पूरी साजिश का रफ्ता रफ्ता खुलासा कर रहे थे, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर भी भर रहे थे। यही वजह है कि बंगाली 138, इस्लामी हिंद और फ्लेमर्स ऑफ वॉर से लेकर ग्रीनबर्ड जैसे ग्रुप में मेंबर्स की तादाद लगातार बढ़ रही थी और साजिश के तार भी गहराते जा रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर आईएसआईएस की इस साजिश का भांडा फूट गया। आतंकवादी ग्रुप तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन ऐसे ही एक ग्रुप में जब आतंकवादियों ने एक पहली बार लाल किले की एक आपत्तिजनक तस्वीर पेश की तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दरअसल इस तस्वीर में जल्द ही लाल किले पर हमला करने की बात कही गई थी। साथ ही ये भी लिखा था कि जल्द ही हिंदुस्तान को भी इस्लाम की हुकूमत यानी खिलाफत का हिस्सा बना लिया जाएगा। असल में इस ग्रुप में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि साजिश की बात आम ना हो। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि कहीं कोई पुलिस का मुखबिर धोखे से भी उनके ग्रुप का मेंबर ना बन जाए। लेकिन हुआ वही जिसका आईएसआई को डर था और उसकी साजिश का राज खुलकर सामने आ गया। अलर्ट पर जाने के बाद भारतीय एजेंसियों ने आखिरकार ऑपरेशन ग्रीनबर्ड का कोडवर्ड डिकोड कर लिया। इस कोड के मुताबिक ग्रीन का ताल्लुक भारत के 3 शहरों दिल्ली, भोपाल और त्रिवेंद्रम से था, जबकि बर्ड्स की स्पेलिंग को अलग तरीके से लिखा गया था, जिसमें आई की जगह न्यूमेरिकल में 1 लिखा था, जिसमें B1 मतलब था रेल का कोच नंबर B1, R का मतलब था राजधानी एक्सप्रेस, जबकि DS का मतलब था दिल्ली साउथ। डिकोड किए गए कोडवर्ड को देखें तो ISIS की आतंकवादी 15 अगस्त से ठीक पहले 13 अगस्त के दिन साउथ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में IED के जरिए धमाका करने वाले। इसके लिए मोबाइल के जरिए IED बनाने से लेकर उन्हें डेटोनेट करने की पूरी ट्रेनिंग आतंकियों को दी जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि यह हादसा हो पाता, सुरक्षा एजेंसियों ने ना सिर्फ उनका राज फाश कर दिया, बल्कि अनगिनत बेगुनाहों को बेमौत मारे जाने से बचा लिया।